धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, रेल हमारा एक जिंदगी का हिस्सा है और हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या रेल में सफर करने वालों की है। इसी चीज को सोचते हुए भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो रेलवे पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। भारतीय रेलवे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। महोदय, रेल देश को एक छोर से दूसरे छोर पर जोड़ने का काम करती है और छोड़ने का काम भी करती है। महोदय, सभी लोग जानते हैं कि ये अभी अठावले जी ने भी कहा कि यह गरीबों का रथ है। वास्तव में रेल गरीबों का रथ है। हमारी बड़ी संख्या रेल से चलने वाली है। सब सुविधा रेल स्टेशन पर भी होनी चाहिए, रेल में भी होनी चाहिए। इन सब पर ध्यान हमारी सरकार लगातार देने का काम कर रही है। मैं जानती हूं और बचपन से मैं देख भी रही हूं कि मेरी माँ भी कहीं आया जाया करती थी तो ज्यादातर वो रेल से ही जाया करती थी। उनको कहती थी कि रेल से जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा और हमने भी देखा हो कि 14 से पहले स्टेशनों की और रेलों की क्या हालत थी, ये सभी जानते हैं। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि जब भी बजट आता है तो बढ़कर ही आता है और देश की जनता को सुविधा भी प्रदान करता है। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि भारतीय रेलवे ने लगभग 70,000 किलोमीटर से भी अधिक रूट के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसके साथ ही रेलवे विश्व का सबसे बड़ा वाहक है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा मालवाहक है। संख्या हमारे देश की ज़्यादा है तो मालगाड़ियों की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ किसान भी और बहुत सारे उद्योग भी ऐसे हैं कि जिनका आना जाना और माल ढोने का जो काम करते हैं। महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने रेलवे में निवेश के कार्य को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया है ताकि मौजूदा सुविधाओं को बराबर रखते हुए भविष्य की अवस्थाओं को देखते हुए इस बात को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने बजट में रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए की राशि आवंटन की है। ये बहुत बड़ी राशि है। नई लाइनों के लिए निर्माण का दोहरीकरण में भी लगभग बढ़ोतरी की है। पहले की तुलना में बहुत बढ़ोतरी हुई है, 66% अधिक बढ़ोतरी की है इसमें। यह 2009 से 2014 के 1,520 किलोमीटर प्रति वर्ष बढ़कर 2014 से 2021 में 2,533 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई है। सिक्किम को छोड़कर सभी 7 हमारे पूर्वोत्तर राज्य को रेलवे से जोड़ दिया गया है। सिक्किम में भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। मोदी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रेलवे की ढुलाई के लागत में कमी लाने के उद्देश्य से पूर्व से पश्चिम तक 1,000 से 10 किलोमीटर कॉरिडोर बनाने का निर्माण किया है। इसी बीच देश के
लोगों को सुविधा होगी और ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा, ये जनता के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है। सभापति महोदय, कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान भी जो जरूरत की चीज़ें थीं उनका काम नहीं रुकना चाहिए, इसी के लिए रेलवे ने 901 ऑक्सीजन यात्राओं को माध्यम से 2087 टैंकर्स और 36,840 मीटर ऑक्सीजन देश के सभी राज्यों में पहुंचाने का काम किया है, जिससे कि दूसरी वैश्विक महामारी आई, सबने देखा कि ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ी है। इस जरूरत को देखते हुए रेलवे ने अपना कार्य नहीं रोका और ऑक्सीजन सभी राज्यों में भिजवाने का काम किया। इसी के तहत जब यहाँ से आप लोगों ने भी सबने देखा कि जो हमारे श्रमिक थे, जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई उनके लिए, जो दिल्ली से भी बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ हमारे मजदूर, जो हमारे लोग यहाँ रहते थे, उनको यहाँ से खदेड़ दिया गया, इन्हीं सभी को देखते हुए भी स्पेशल ट्रेन चलाकर भी उनके घर तक पहुँचाने का काम किया, जिससे कि वो सुरक्षित अपने घर पर पहुँच सकें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरठ में से मैं आती हूँ, मैंने वहाँ भी देखा स्पेशल ट्रेन लगाकर कलकत्ता, बम्बई हो, अन्य कहीं भी जाने वाले यात्री हैं, जो बिहारी हैं, कहीं भी हैं, वहाँ भिजवाने का कार्य किया है। ये बहुत सराहनीय कार्य है, ये बहुत बड़ा कदम था, उसलिए और ज़रूरी भी था कि जो हमारे श्रमिक, जो हमारे भटक रहे थे, उनको उनके यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी को कोविड चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए आपदा से अवसर में बदलने के लिए रेल मंत्री जी ने सप्लाई चैन को चालू रखा और इसको आगे तक इसको बढ़ाते रहे। मैं माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश से मैं आती हूँ, उत्तर प्रदेश के विषय में भी मैं ज़रूर कहूँगी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश में जो बजट है वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। 2022-2023 बजट उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए बजट 6,724 करोड़ का रुपए का है। ये पहले से बढ़कर 43.51% ज़्यादा है। महोदय, मैं अपने यहाँ मेरठ के लिए एक मांग करना मैं चाहती हूँ कि बहुत दिनों से मांग है, एक हसनापुर एक जगह है और वहाँ जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, पूरे देश से वहाँ जैनी आते हैं और कौरव पांडवों का भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक स्थान है। मेरठ से और हसनापुर को जोड़ा जाए और एक स्टेशन बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।